कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट आज चुनावी दौरे पर रहेंगे। अनूपगढ़ रावला मंडी में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीलीबंगा रावसर में सभा को संबोधित करेंगे। टोंक में भी दो चुनावी सभाओं को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार अभियान की भी कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस नाते स्टार प्रचारक भी हैं और राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार में सचिन पायलट जुटेंगे। इसी के तहत आज उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। अनूपगढ़ रावला मंडी में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीसीसी चीफ सचिन पायलट। इसके बाद पीलीबंगा रावसर में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके साथ टोंक में भी दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं और अपने क्षेत्र में भी स्वयं के लिए प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट का भी चुनावी दौरा तय किया गया है। तूफानी कार्यक्रम उनका तय किया गया है। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। टोंक में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद अनूपगढ़ रावला में भी चुनावी सभा संबोधित करने का कार्यक्रम है। पीलीबंगा रावसर में भी आयोजित सभाओं को सचिन पायलट संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे। धीरे धीरे चुनाव प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। दोनों ही पार्टियों की ओर से स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। जहां अशोक गहलोत ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे, तो वहीं सचिन पायलट भी पीलीबंगा रावसर आदि स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ टोंक में भी दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। टोंक क्षेत्र से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट है सचिन पायलट का? आज तूफानी दौरा तय किया गया है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। आज सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वो तूफानी दौरे पर है। 3 जिलों का दौरा करेंगे सचिन पायलट। आपको बता दूं मैं आशीष, सबसे पहले वो श्रीगंगानगर जाएंगे। वहाँ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रावला मंडी में ये जनसभा होगी। उसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर से ही हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पायलट रावतसर पहुंचेंगे और रावतसर से टोंक पहुंचेंगे। टोंक में ओम काबरा में पायलट की सभा होगी और सभा के बाद पायलट टोंक के कॉलेज ग्राउंड में ही जनसभा को संबोधित करेंगे और वैसे समाज की एक सभा है उसमें भी पायलट शाम को शिरकत करेंगे। जी आशीष। जी दिनेश, सचिन पायलट चुनावी मैदान में उतरे हैं, अशोक गहलोत अलग से सभाएं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान है इसमें प्रदेश के दोनों नेता उतर चुके हैं, साथ ही साथ केंद्र के नेताओं का भी आना अभी शेष है, तो उनकी कोई जानकारी है कब तक कौन से नेताओं की सभाएं होंगी? बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की करें, दोनों नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी वो 26 नवंबर को राजस्थान दौरे पे आ रहे हैं। एक दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का और 26 को राहुल गांधी 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। अजमेर, सबसे पहले अजमेर आएंगे जहां वो पुष्कर भी जाएंगे और ब्रह्मा मंदिर और उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी जाएंगे। उसके बाद वो पोकरण जाएंगे, पोकरण में उनकी सभा होगी। पोकरण के बाद वो जोधपुर आएंगे। जी आशीष।